जी हमारे बैठे हैं श्री अरुण कुमार सिंह जी, इनको सम्मान पत्र देता है, दे रहा है। मैं आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों और मीडिया के सारे मेरे मित्र बंधुओं जो मेरे सदैव मेरे साथ रहते हैं, मेरे उद्बोधन को निकालते हैं, देश दुनिया तक, पूरे भारत नहीं बल्कि विश्व तक पहुंचाते हैं, मैं उनको बार बार उनका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे कहने पर इतनी जनता, सुनने पर इतनी जनता अगर इस हाल में आ सकती है तो ऐसे जनता को, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, मेरे तरफ से उम्र के लिहाज को छोड़ दीजिए, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। मैं 2015 दिसंबर 2005 को 5 दिसंबर 2015 में एनजीओ पटियाला हाउस दिल्ली से पूरे भारत के लिए मैंने रजिस्टर्ड कराया। अब उसकी मैं व्याख्या नहीं करूंगा। मेरे मुख्य जो आज के अधिकारी महोदय हैं जानते होंगे कि यह पूर्व शब्द जो है इस पर कोई रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं, लेकिन गृह मंत्रालय के आपके अनुमोदन पर यह रजिस्ट्रेशन मुझे मिला। चलते चलते 2019 में बहुत काम हुआ। 2019 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, राजा भी हमारे प्रदेश के हैं, उन्होंने पुलिस बल से सहयोग से भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए अधिकार अधिकृत कर दिया, अधिकार देकर के अधिकृत किया कि ए श्रेणी से लेकर के और डी श्रेणी तक के चाहे कोई भी अगर साक्ष्य मिलता है और गलत है तो उसको आप पकड़ करके पुलिस के हवाले करिए और FIR करवाइए। आज बड़े सौभाग्य की बात है, मैंने नहीं कुछ किया है। अगर मैं यह मान लूं कि मैंने किया तो कोई मतलब नहीं निकालेगा। यह पूरी जनता मिलकर के और पुलिस प्रशासन मेरी सहयोग करती गई है, यह मिलकर के हमारे साथ हैं। जो आज मैंने कुछ नहीं तो 10 आदमियों को मैंने जेल भिजवाया है। मैं 60 भी 2 मिनट भी गिना देता हूं। आजमगढ़ में एक अमीन मिश्रा को मैंने 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़वाया अभी 3 महीने पहले। महाराजगंज पुलिस स्टेशन पुलिस अधीक्षक जो बिहार के रहने वाले हैं, उनके पास मैंने कहा 50 करोड़ रुपए नौकरी के नाम पर लेने वाले एक श्रीवास्तव परिवार को मेरे पास जब आई तो कोई पूछ नहीं रहा था, FIR नहीं लिख रहा था। मैं और मेरे उप प्रभारी महोदय डॉक्टर ऋषिकेश द्विवेदी जी बैठे हैं, अथक संघर्षशील है, परिश्रमी है, इन्होंने कहा मैं चलूंगा और जा करके वह कहे लेटर पैड हटा दीजिए। मैंने कहा श्रीमान जी यह तो मैं नहीं कर सकता, अगर एंटी करप्शन पकड़ रहा है तो मैं आपको नहीं दे सकता। कहे कि आपको मुकदमा लड़ना पड़े, हमने कहा मुकदमा लड़ने की धौंस ना दीजिए, और तो मेरी जब इस क्षेत्र में आए हैं तो आदत बनी हुई है। और ऐसी अकल उनकी बदल गई कि मेरे ही आवेदन पर उन्होंने आदेश जारी किया कि FIR लिख दिया जाए। लेकिन पैसे के बल पर एक हफ्ते का नौतनवा पुलिस जो CO साहब महोदय है FIR नहीं हुआ। मैं बात किया एक दिन, उन्होंने कहा कि कर देंगे हमके श्रीमान जी, यह बात तो आपके मुख से शोभा नहीं देता, बिल्कुल अशोभनीय है। यह मामला कितने का है, कितने लोग, कितने जिले बर्बाद हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कर देंगे। मैं ADG महोदय श्री अखिल कुमार सिंह जी को बार बार कोट कोट धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमारी पूरी टीम गई, रागिनी जायसवाल मेरी जिले की प्रभारी है और नाम नहीं बताना चाहिए लेकिन टास्क फोर्स की मेरी पदाधिकारी भी है। जन सुनवाई में तिवारी जी बैठते, उन्होंने कहा कि भैया आप न मिलिए, हम क्या रोक नहीं सकते, आप रोकेंगे तो आप मैं ब्लेम लगाऊंगा कि आप उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। अंदर मैं गया, ADSP आनंद जी बैठते हैं, उनसे अब बात आई, उन्होंने कहा क्यों तिवारी जी तुमने कहा कि लेटर पैड निकाल दो, अधिकार प्राप्त संगठन है तो लेटर पैड क्यों निकाल देगा, और लगाओ फोन हमारे सामने अभी। और बात हुई 4 बजे FIR दर्ज हो गया कई धाराओं में, और बेटी उनकी
बहन उनकी, औरत उनकी और श्रीवास्तव आज भी बिछिया जेल में समझौता जमानत हुई या नहीं। बरहल देवी मैं कहता नहीं चाहता, बरहलगंज में चंपा हॉस्पिटल है, बरहलगंज में मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बदनामी हुई चूंकि मैं लोकल रहने वाला हूं कि यही करते हैं। और मैं जिस दिन उतारू हो जाऊंगा, एक भी हॉस्पिटल चल नहीं पाएगा, वही चल पाएगा जो सरकार के निगाह में असीमों के रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड है, वरना मैं चलने नहीं दूंगा और कोई रोक नहीं पाएगा। मौत से तो मैं डरता ही नहीं हूं, मौत मेरी हो ही नहीं सकती है जब तक ऊपर वाला नहीं करेगा। मुझे गोली मेरी मुझे परेशान कर सकती है, दवा हो सकती है, लेकिन प्राण नहीं निकल सकता। मेरे टास्क फोर्स के सदस्य नाम नहीं लूंगा, यहां बैठे भी मैं महोदय से अभी 5 प्रशस्ति पत्र दिलवाऊंगा, और संगठन के जो टास्क फोर्स के पदाधिकारी जिन्होंने काम किया है, नाम तो गोपनीय रखा जाता है लेकिन मैं दिलवाऊंगा। वह जा करके मैंने कहा, फोन किया, जाओ देखो क्या हो रहा है, तहसीलदार यहाँ बिजमोहन शुक्ला जी हैं, अब मुझे कहना नहीं चाहिए, मेरे क्षेत्र के सक्षम अधिकारी हैं लेकिन इस पद लायक वह नहीं। वह जा करके सील कराते हैं, मशीनें चली जाती हैं दूसरे जगह डेरवा, लेकिन रुपए लेकर के फिर दूसरे दिन हॉस्पिटल चालू हो जाता है, लेकिन मेरा टास्क फोर्स का पदाधिकारी जा करके जब तक सील नहीं होता है तब तक वहां बैठा था। अभी तहसीलदार महोदय रुद्रपुर महोदय के शायद व्हाट्सएप पर सबके गया होगा, छेड़खानी के आरोप में कमरा बंद करके तलाक करके कई धाराएं हैं, वो भगा हुआ है। हमारे पुलिस विभाग देवरिया की पता नहीं क्या कर रही है कि 3 हफ्ते से ऊपर हो गए उसको पकड़ नहीं पाई। बालू खनन का मामला हमारे पुलिस अधिकारी महोदय भी सब लोग बैठे हुए हैं, दिन में क्या होता है, अरे भैया दिन में भैया तो रात को सैया, पैसे में भ्रष्टाचार में बड़ा दम है, पैसे में तमाम चीज होता है मेरे कहने पर, लेकिन सील होने से मतलब नहीं होता है। मैं इसलिए मैंने अपने सक्षम अधिकारी के सामने कह रहा हूं कि कोई भी मामले सील से नहीं होता है, अगर हॉस्पिटल सील होते हैं तो तत्काल FIR होना चाहिए, और गाड़ियां सील होती हैं तो तत्काल FIR होना चाहिए, और किस गाड़ी किसके नम मालिक की है मालिक के ऊपर FIR होना चाहिए कि मालिक ने ही तो इजाजत दिया कि जाओ बालू खनन करो और रात को ढो। ये भी मैंने किया है, अभी कहने में मुझे थोड़ा ये दिक्कत आ रही है। मैं एक दरोगा संत कबीर नगर में यादव जी हैं, मैं संग मेरे टास्क फोर्स ने उनको लुंगी पहनते हुए तौली पहनते हुए मैंने पकड़ा था, आज के 8 महीना 9 महीना पहले की बात। उन्होंने कहा आपका अधिकार क्या है, मैंने कहा महोदय ADG महोदय से पूछ लो, अधिकार शब्द में ए से लेकर जेड तक है, अगर मेरे साक्ष्य है तो मैं पुलिस बल सहयोग से मैं तुम्हें पकड़ूंगा, तुम गोली मार देना। मैं इस तरह से मैं बहुत प्रशंसा नहीं करता, लेकिन मैं जनता के बल पर और पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के बल पर मैं भ्रष्टाचार का 200 काम किया हूं, थानों से लेकर के ब्लॉकों से लेकर के सबसे ज्यादा ब्लॉक में तो जो गड़बड़ियां हैं, ये संसद सदस्य क्यों बनाए जाते हैं, उनका संसद ही नहीं चलता है जब सेक्रेटरी और BDO से करके और संसद सदस्य से पूछना ही नहीं है, मीटिंग नहीं है, तो फिर घपलेबाजी ही तो घपलेबाजी है, कोई ब्लॉक एजेंसी बेवकूफी बनाने वाली बात है। मैं अपने टास्क फोर्स को पूरा स्वतंत्र आदेश देता हूं कि जहां ब्लॉक में ऐसी व्यवस्था हो, चाहे सेक्रेटरी हो चाहे BDO हो, मुझे अवगत कराओ, मैं पुलिस महोदय सक्षम अधिकारी को अवगत कराऊंगा, उनको पकड़ो घसीटते हुए जहां तक ले जाओ, मैं देखूंगा जो होगा। मेरा बाइलाज क्या कहता है, मैं बाइलाज पर चल रहा हूं। और मेरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी बड़े साहसी हैं, बड़े कर्मठी हैं, बड़े कर्मठशील हैं, स्वयं मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। मैंने वही सीखा है कि मैं समझौता नहीं कर सकता। मैं एक छोटे से मकान में रहता है, मैं करोड़ों रुपए के मकान में नहीं रहता। मैं इसलिए इस तरह से ब्लॉकों का उजागर मैं करता हूं, तहसीलों में जो हो रहा है, एक फाइल बिना पैसे दे से दूसरे फाइल पर नहीं जा, दूसरे डेस्क पर नहीं जा सकते, मैं जानता हूं। और मैं मुख्यमंत्री महोदय को बार बार निचले स्तर के हमारे
जो उप प्रभारी प्रदेश के हैं बार बार ट्वीट करते हैं, बार बार लिखते हैं और बार बार कहते हैं, यहाँ तक लिखते करते हैं कि ट्विटर अकाउंट भी इनका सील हो जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, फिर दूसरा बनाते हैं। कुल कहने का मतलब, मैं नाम के लिए नहीं संगठन बनाया, मैं काम के लिए बनाया। अभी महोदय आप थे, मेरी पदयात्रा रैली निकली थी, नीलेश राय जी होंगे सुन रहे होंगे, हमारे घर तक गए थे। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं उपलब्ध कराई गई हमारी, जबकि 500 की भीड़ चल रही थी और मधुनारायण देवला पार में कोई मिलिट्री का आदमी शहीद हो गया था, उसमें गए थे। 18 पुलिस फोर्स लगाई गई थी, मेरे महोदय भी सुन रहे थे, दरोगा 3 लगाए गए थे, लेकिन कोई एक चौकीदार भी नहीं दिखाई दिया। तो मैंने जब लिखा पढ़ी शुरू किया तो उसी में मधुनारायण मिश्रा जी चले, नीलेश राय जी नए आए थे, वह और एक दरोगा कोई है, 2 पुलिस खड़े भी होंगे शायद, हमारे घर तक गए और कहे कि छोड़ दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है। डायरी में दिखा दूं कितने लोगों की सुरक्षा में व्यवस्था लगा था, लेकिन वो नहीं गए तो क्या किया जाए। हम कहे चलो कुछ हमें लिखा पढ़ी ना हूं करूंगा, मैं छोड़ दिया। मेरा अनुरोध भी होता है महोदय से कि अपने पुलिस आपके अधीनस्थ जितने भी थाने हैं, CO सर्किल हैं, क्षेत्र अधिकारी हैं, उनको सख्त से सख्त निर्देश दीजिए कि फोन जरूर उठाएं, एंटी करप्शन का फोन उठाएं, बात करें, और अगर मुझे पुलिस बल की आवश्यकता अगर आज 2 घंटे बात पड़ती है तो मुझे दें। पर सिफारिश है, क्योंकि आप एक ईमानदार अफसर हैं, मैंने सुना है, मैंने परखा है, मैंने देखा है, और प्रेमी जी ने तो कहा ही, प्रेमी जी का परिचय आप लोग नहीं जाए, या आज उत्तर प्रदेश के यूनियन के बिजली विभाग के प्रेसिडेंट हैं प्रेमी जी, और कभी भी हैं भारत के नंबर 1 के, और कई संगठन भी चलाते हैं, लेकिन मेरे संगठन इनको अच्छा लगा इस 90 साल की अवस्था में। यह समीक्षा प्रभारी भी हैं आजमगढ़ के, और मेरे लिए चलने के लिए रातों दिन तैयार होते हैं। मैं यह मेरा प्रणाम कर रहे थे, मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, मैं बार बार आपके उसको दोहराता हूँ कि कभी ऐसा नहीं, और बार बार मरने के बाद भी आपका नाम मेरे हृदय में अमर रहेगा, मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूं ऐसे व्यक्ति को। तो अगर भरपूर प्रशासन, पुलिस प्रशासन मेरा सहयोग करे, अब यह समस्या आएगी, हमारे महोदय अधिकारी भी खड़े हैं कि आखिर टास्क फोर्स कैसे बना। मैं एक बार सुरक्षा के लिए गया अखिल कुमार जी के यहाँ, महोदय के यहाँ, उन्होंने कहा इतनी संख्या है मैं कहाँ दे पाऊंगा, आप टास्क फोर्स 7-9 जोड़ी नामित कर दीजिए, मैं तुरंत सैंक्शन करता हूँ और टास्क फोर्स कार्यबल आपका काम करेगा। उनको खूब खूब प्रशंसा मैं करता हूँ कि उन्होंने तत्काल मेरी जायसवाल एक जो प्रभारी है आवेदन लेकर अकेले गई और तुरंत उन्होंने लिखा कि 3 बस्ती मंडल में और गोरखपुर मंडल में, देवीपाटन मंडल में जब भी आवश्यकता होगी मिलेगी। और दूसरा उन्होंने कहा कौन फोन नहीं उठाता है, मेरे अंतर्गत थाना हो, अधिकारी हो, मुझे बताना, कभी भी बताना, या बैठी है, मैं पूछूंगा क्यों फोन नहीं उठाते हैं। तो पुलिस विभाग से मेरी कोई शिकायत नहीं, और हमेशा हमारे सहयोगी हैं और सहयोगी रहेंगे जब तक संगठन मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन संगठन तो अमर रहेगा, जब तक रहेंगे तो रहेंगे। मैं, मेरे दिमाग में आया, मुझे कोई परिचय नहीं था महोदय से, पहले बार एक काम से गया था, महोदय ने कहा ठीक है, तुरंत आदेश किया और कहे कि ठीक है, प्रभारी जी भी बैठे थे, ठीक है, बलंदू जी ने कहा कि कार्यक्रम हो, प्रभारी जी ने संस्तुति किया, हमने कहा कि अगर सच्चे अधिकारी हैं, ईमानदार हैं, तो देर करने की जरूरत नहीं है, आज कल जो काल करो सो आज करो, जो आज करो सो अब, पल में परलय होगी, बहुरी करोगे कब, मैंने मुश्किल से हम 3-4-5 दिन के अंदर ही प्रोग्राम हुआ और मैं इसको सफल बनाने का काम किया। मैं बार बार ऐसे उच्च संघर्षशील, ईमानदार और सक्षम अधिकारियों का बार बार मैं सम्मान करता रहूंगा, जब तक रहूंगा तब करता रहूंगा, और सब संगठन के मेरे लोग हैं, अगर संगठन में जुड़ करके उनको बात, मेरे बालंदू जी ने कहा, प्रेमी जी ने कहा, अगर सभी जनता अपने आप को रिश्वत देना बंद कर दे तो न रिश्वत देंगे न रिश्वत लेंगे, कब तक ये अधिकारी रिश्वत खोर कब तक चुप रहेंगे,
उनको कभी बदलना ही पड़ेगा। आज नहीं कल नहीं परसों बदल देना पड़ेगा। जब हम देंगे ही नहीं फाइल कब तक रोको रोको, नहीं मानोगे मैं हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। जो दूंगा तुमको उससे कम पैसे पर मैं देखूंगा। वहां नहीं अगर होगा मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि मेरे लीगल एडवाइजर बैठे हुए हैं, मुझसे फीस नहीं लगती है। क्यों छपाई टाइप बट्टा जो स्टाम्प लगता है वही लगता है। मेरे संगठन को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग निर्भीक रहे, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आपका शुल्क किसी संगठन के प्रति अगर कोई मुकदमा है तो नहीं मिलेगा और तत्काल उसको होता है। मैंने यहाँ सूरज जायसवाल जी बैठे हैं, मेरे आग्रह पाए हैं, चेयरमैन थे इसके पहले, इनके साथ भी अन्याय हुआ चुनाव में, मैं जानता हूँ। उसकी रीट दाखिल भी है, मैं जानता हूँ। क्यों जल्दी जल्दी सब हो जा रहा है भैया? क्या अधिकारी मेरे, मैं अधिकारी के खिलाफ अगर भ्रष्ट अधिकारी है तो मैं असम्मान कतई नहीं करूंगा, चाहे मुझे गोली मार दें। लेकिन आप जैसे ईमानदार अफसर अगर हैं और मेरे मेरा और मेरे संगठन क्या मनोबल को ऊंचा करते हैं और कार्य करते हैं सत्यता का है, तो मैं बार बार बुढ़ापे तक रिटायरमेंट होने के बाद भी आपके घर तक मैं आऊंगा और संगठन के साथ आऊंगा और सम्मान कर, यह सम्मान नहीं तब भी मैं सम्मान करूंगा, गांव में भी आऊंगा। क्योंकि सारे नियमों को आप भी जान रहे हैं, सारे नियमों को मेरे उप जिलाधिकारी महोदय जो रिटायरमेंट है सारे, इसीलिए मैं तहसीलदार का बात कहा कि आपको भले ही अवगत है कि तहसीलदार करते क्या है, लेखपाल करते क्या है, कान को करता क्या, लेकिन यह कहना नहीं चाहिए। मुझे वेदना थी, मुझे पीड़ा थी कि मेरे फोन को नहीं उठाया जाएगा, मेरे संगठन के कास्ट फोर्स के सदस्य का फोन नहीं उठाया जाएगा। यह बात तो मैं श्रीमान जी से कह रहा हूं कि सख्त से सख्त तत्काल इसको आदेशित करेंगे। आप आग्रह है मेरा कि किसी भी थाने का आपके खदनी आपके अंदर है, बांसगांव आपके अंदर है, गोला आपके अंदर है, अब बहुत थाने हैं, जरूर निर्देशित करें मुझे, अगर कहिएगा तो मैं आऊंगा आवेदन लेकर के और तत्काल कदम उठावे और उस पर आदेशित करावे। अगर नहीं होता है तो मैं मजबूर हूँ हाईकोर्ट का शासन को चिट्ठी लिखने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए, अनशन करने के लिए, मैं हर चीज के मजबूर हो जाऊंगा। लेकिन मास आपसे 100 पैसे के रुपए से नहीं, उससे ज्यादा की 100 से ऊपर भी, यह मैं जानता हूं कि आप करेंगे। अगर आप ईमानदारी देखेंगे कि संगठन कर रहा अच्छा काम तो जरूर करेंगे। तीसरी चीज, संगठन सदैव गरीबों का, सदैव दीन दुखियों का, सदैव पीड़ित व्यक्तियों का संगठन का दरवाजा खुला हुआ है और हमें विश्वास है कि मेरी पुलिस विभाग भी उनकी मदद करती है। मेरे ऐसे ऐसे अधिकारी आते हैं कि उनके सामने कोई गलत नहीं कर सकता है, तो उनका भी व्यवस्था है और सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब मैं बार बार कहूँ कि जनता मेरे अगर संगठन के साथ है तो संगठन से जीने मरने के लिए संगठन या संगठन